हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 फ्रॉम द बुक फ्लावर्स एंड द चैप्टर्स नेम इज वी नीड शेल्टर। शेल्टर मतलब रहने की जगह। तो इसमें हम देखते हैं ये जो मैन है ये एंशिएंट मैन है। अब पहले के लोग जो होते थे लॉन्ग इयर्स अगो, तो वो लोग कहाँ रहते थे? वो रहते थे केव्स के अंदर। तो इस तरह से केव वो खुद भी नहीं बनाते थे, बल्कि ये नेचुरल केव्स होती थी, मैनमेड नहीं होती थी। और यहाँ पे कभी कभी तो शेर भी रहा करते थे, पर जैसे अगर कोई एनिमल नहीं होता था तो मैन वहाँ पे जाके रहते थे। तो इस तरह से लोगों ने अपने लिए शेल्टर ढूंढना शुरू करा। और वो क्यों शेल्टर ढूंढते थे? बिकॉज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो इन सब से हमें कौन बचाता है? हमारा घर। हम वी फील सेफ इन आवर हाउस। हम अपने घर में बिल्कुल सेफ महसूस करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, लॉन्ग अगो पीपल लिव्ड इन केव्स, लेटर दे बिल्ड हाउसेस। फिर उन्होंने अपने घर बनाने शुरू करे। तो घर किस किस चीज को यूज करके बनाया? दे यूज्ड मड, स्ट्रॉ एंड स्टोन्स टू बिल्ड हाउसेस। तो मड होती है मिट्टी, स्ट्रॉ जो घास फूस होती है उसे कहते हैं, एंड पत्थरों से। तो इनिशियली मैन ने ये सब मटेरियल यूज करके अपना घर बिल्ड किया। नाउ व्हाट आर हाउसेस मेड ऑफ? अब हाउसेस टू टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले विलेजेस की बात करें, गांव की बात करें, तो उसमें कुछ घर बने होते हैं मड एंड स्ट्रॉ के, और उन हाउसेस को हम क्या कहेंगे? कच्चा हाउसेस। तो जो हाउसेस कच्चे होते हैं, जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते, उन हाउसेस को हम बोलते हैं कच्चा हाउसेस, एंड दे आर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। नाउ इन दिस फोटो यू कैन सी अ कच्चा हाउस विच इज मेड अप ऑफ दिस पोर्शन इज मड एंड दिस इज all straw. So this is a kacha house that we usually found in village. Now this is a photo of a paka house. A paka house kahan milenge? Paka house milte hain in towns and cities. Bade bade shaharon mein hame paka house dekhne ko milte hain. Aur zyada tar paka house kiske bane hote hain? They are made up of bricks and cement. ब्रिक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स, छोटे छोटे रेड कलर के ब्लॉक्स होते हैं, फिर उनको ज्वाइन करते हैं सीमेंट के हेल्प से। सीमेंट होता है ग्रे कलर का। सच हाउसेस आर पक्का हाउसेस, एंड पक्का हाउसेस आर स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउसेस, बिकॉज कच्चा हाउस तो मड का बना हुआ है, वो टूट जाएगा, बट पक्का हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट, सो दे आर स्ट्रॉन्गर। पीपल बिल्ड हाउसेस विद मटेरियल्स दैट दे फाइंड ईजिली। तो जहाँ पे जिसको मटेरियल इजीली मिल जाता है, लोग उससे घर बना लेते हैं। दस हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज स्ट्रॉ, मड, ड्राई लीव्स, बैम्बू, वुड, ब्रिक्स, सीमेंट एंड स्टोन्स। तो अलग अलग मटेरियल यूज करके लोग जहाँ पे जैसा जिसको मटेरियल मिलता है, सामान मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिफरेंट मटेरियल यूज करके हाउस बनाते हैं। तो इसके वजह से डिफरेंट हाउसेस होते हैं। तो नाउ वील स्टडी टाइप्स ऑफ हाउसेस। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। सबसे पहले हाउस हम देखेंगे हट्स। अब हट्स होती है झोपड़ियाँ, ये सब हमने देखी हुई है, सभी ने देखी है झोपड़ी। तो ये छोटी होती है साइज में, और ये दिस इज वन ऑफ द कच्चा हाउसेस। तो हट्स आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, गांव में मिलेगी हट्स। ये छोटे होते हैं हट्स, तो इसमें यूजुअली वन रूम होता है, एंड दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे हैव टू बी रीबिल्ट और रिपेयर्ड एवरी ईयर। तो हर साल इनको बनाना पड़ता है या फिर इनको मरम्मत करनी पड़ती है। नाउ कमिंग नेक्स्ट हाउस इज अ बंगलो। अब बंगलो कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा टाउन एंड सिटीज में, एंड बंगलोज आर बिग हाउसेस एंड दे हैव मैनी रूम्स। तो वी कैन सी देर आर मैनी रूम्स इन दिस बंगलो, बहुत सारी विंडोज नजर आ रही हैं। सम बंगलोज हैव अ गार्डन, कुछ कुछ बंगलोज में वी कैन फाइंड अ गार्डन। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस इज अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होती है? दीज आर मोस्टली फाउंड इन बिग सिटीज, एंड सम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैव मैनी हाउसेस।
इसमें कई सारे हाउसेस होते हैं जिसमें कई सारे लोग रहते हैं, और इन हाउसेस को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स। दे आर बिल्ट वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, तो वी कैन सी एक के ऊपर एक बने हुए हैं ये फ्लैट्स अपार्टमेंट्स, सो दिस इज अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउसेस आर स्टिल्ट हाउसेस। स्टिल्ट हाउसेस दीज आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स हैविली, जहाँ बहुत तेज बारिश आती है वहां पे इस टाइप के स्टिल्ट हाउस बनते हैं। तो इसकी रूफ स्लोपिंग होती है, ऐसे स्लोप्स बनी होती है, एंड दीज आर बिल्ट ऑन स्टिल्स, तो ये जो एरिया है इसका, इसको स्टिल्स बोलते हैं, ठीक है। एंड दीज आर मेड अप ऑफ बैम्बू और वुड, तो ये बांस की लकड़ी की बनी होती है या सिंपल लकड़ी के बने होते हैं स्टिल्ट। सो स्टिल्ट हाउसेस आर बिल्ट अ लिटिल अबव द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पे बनते हैं, बिकॉज जहां तेज बारिश आएगी वहां फ्लड आने के चांसेस रहते हैं, बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। सो दीज आर मेड अप अ लिटिल अबव द ग्राउंड एंड दे हैव द स्लोपिंग रूफ्स। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउसेस आर द हाउस बोट। अब हाउस बोट्स क्या होती है, जैसे ही नाम से और फोटो से भी समझ आ रहा है कि ये हाउस होते हैं किसके ऊपर, बोट्स पे हाउसेस बने होते हैं, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग हाउसेस, ये तैरते रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जनरली कौन रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं टूरिस्ट, सो टूरिस्ट ऑफन लिव इन देम। वुड यू लाइक टू लिव इन अ हाउस बोट, क्या आपको हाउस बोट में रहना अच्छा लगेगा। सो हम सबको ही अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसा फ्लोटिंग हाउस मिल जाए तो। Now next house is a igloo. An igloo, these houses are made of blocks of snow and ice. इस तरह से blocks होते हैं ice और snow के, तो एक के ऊपर एक रख के वो बनाया जाता है और इन house को बोलते हैं igloo. ये कहाँ पाए जाते हैं, they are found in places that are covered with snow all through the year. तो ये उस जगह पे पाए जाते हैं जिन जगह पे, जैसे अंटार्कटिका हो गया, तो जो जगह पूरी स्नो से कवर्ड रहती है और पूरा साल भर जहाँ स्नो रहता है वहां पे ये हाउस पिघलते नहीं है और वहां पे बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस इज अ टेंट। नाउ टेंट ये किसके बने होते हैं, दीज आर मेड ऑफ कैनवास और प्लास्टिक। प्लास्टिक क्यों, बिकॉज ये बाहर रखे होते हैं तो बारिश की वजह से भीगे नहीं अंदर रहने वाले लोग, सो कैनवास और प्लास्टिक आर वाटर प्रूफ, सो दे आर मेड अप ऑफ कैनवास और प्लास्टिक। दे आर यूज्ड व्हेन पीपल कैंप इन द ओपन, तो कब यूज किया जाता है टेंट को, जब लोग कैंपिंग करते हैं खुले में तो टेंट यूज में आता है। एंड इनका बेनिफिट क्या है कि दे कैन बी फोल्डेड एंड इजिली कैरिड एनीवेयर, कहीं भी उनको फोल्ड करके ले जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस इज अ कैरावैन। सो कैरावैंस क्या होते हैं, दीज आर द हाउसेज ऑन व्हील्स, तो ये इस तरह की वैन है और ये कैरी करती है इस हाउस को, इधर से उधर कहीं भी ले जा सकती है। सो दिस टाइप ऑफ हाउस इज नोन एज कैरावैन एंड दे कैन बी ड्रिवन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं, टॉयलेट, किचन होता है, मिनी सिंक होता है, वॉशरूम, सब कुछ इसके अंदर ही होता है, बेड लगा रहता है, तो ये इस तरह के हाउसेस होते हैं। So now we can have a quick recap. A house protects us from heat, cold, rain, wind and wild animals. Kaccha houses are made of mud and straw. Pakka houses are strong houses made of bricks and cement. Different materials are used to build different types of houses. People live in different types of houses, huts, bungalows, flats, stilt houses, houseboats, igloo, tents and caravans. So this was the chapter. We need shelter. Thank you.